हम गेट का ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. बोल रहा है एट रूम टेम्परेचर द नंबर ऑफ सिंगलेंट रेजोनेंसेज ऑब्जर्व इन द H1 NMR स्पेक्ट्रम ऑफ दिस इस कंपाउंड का. ओके, सिंगलेंट रेजोनेंस पूछ रहा है. तो आपको सबसे पहले बात ये वाले कंपाउंड में ध्यान रखना है ना कि ऐसे डिलोकलाइज होगा ऑब्वियसली इसका इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों का एनवायरनमेंट अलग हो जाएगा. ये आपने देखा है अमाइड के केस में होता है ना, सब में नहीं अप्लाई करना है, अमाइड में होता है. तो इस वजह से इसका एक सिग्नल अलग है, इसका एक सिग्नल अलग है, और इन तीनों का तो सेम आता है. तो टोटल हमारा कितना सिग्नल हो गया, 3 सिग्नल है. अब आपको ये नहीं सोचना है कि अरे अगर इसका एनवायरनमेंट अलग है तो हम ये सोच लेंगे कि मतलब इसकी वजह से हो सकता है कि ये तीनों अलग है. इसका नहीं, तीनों एक ही होंगे. ओके, इन तीनों पे वो नहीं अप्लाई करेगा. ओके, ये बस इसके लिए है. तो इसका आंसर 3 हो जाएगा. थैंक यू.